नमस्कार मित्रों, मैं पार्थ किशन परिवार की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आइए एक बार फिर से हम आप सभी लोगों को ले चलते हैं यूरोप की कलाओं की ओर और यूरोप की आधुनिक कला से हम आपको जोड़ते हुए आधुनिक कलावादों से आपका परिचय करवाते हैं। और आज की क्लास में हम आपको उन प्रमुख कलावादों से जोड़ने की कोशिश करेंगे या यूरोपीय कला से या पाश्चात्य कला से हमारे टीजीटी पीजीटी में आने वाले उन महत्वपूर्ण प्रश्नों से हम चर्चा करेंगे जिसके बारे में हम आपस में भी चर्चाएं करते हैं और ये एग्जाम में कई बार आके हमसे एग्जाम हाल में भी हमसे चर्चाएं करती हैं। वे वाद चाहे हमारा घनवाद हो, चाहे हमारा प्रभाववाद हो, चाहे अतिथार्थवाद हो, चाहे अभिभंजनावाद हो, चाहे हमारा यथार्थवाद हो, नव प्रभाव जो जॉर्ज क्या बोलते हैं उत्तर प्रभाववाद हो, इन सभी से हम आपको आज एक समरी रूप में जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और आप लोग, आशा करता हूं कि आप सभी लोग इस क्लास का भरपूर उपयोग करेंगे। तो जल्दी से जल्दी अभी तक जो लोग नहीं जुड़े हैं वे लोग भी जल्दी से जुड़ जाएं जिससे कि हम आप सभी लोगों तक इस क्लास को पहुंचा सके, है ना। तो बस एक से दो मिनट का हम समय लेंगे, एक से दो मिनट में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। और आज की इस महत्वपूर्ण क्लास का पूर्ण फायदा लें। जितने भी आपके मित्र यार हों सभी के पास इसको, इस लिंक को शेयर कर दीजिए क्योंकि क्लास पब्लिक हो चुकी है। ठीक है, चलिए। मैं देख रहा हूँ कि अभी तक बहुत ज़्यादा लोग नहीं जुड़े हैं और आप लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। जितने लोग हों जल्दी से जल्दी जुड़िए जिससे कि जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं सभी तक आसानी से पहुँच सके। और वीडियो के रूप में तो आपको मिल सकता है, लेकिन जो चीज़ डायरेक्ट लाइव के समय आपके सामने दिखाई देता है, जहाँ से आपके मन में आए हुए कुछ इच्छाओं को कमेंट के माध्यम से पूर्ण भी कर सकते हैं, वह अवसर आप लोग के सामने ही, और हम कोशिश कर रहे हैं उन्हीं से जोड़ने की। तो आप एक प्रकार से देखें कि पाश्चात्य आधुनिक कला, पाश्चात्य आधुनिक कला आज हम यहाँ से आपको जोड़ रहे हैं। और बहुत सारे लोग, विश्वम यादव, रीना सक्सेना जी, आशुतोष यादव जी, श्रुति गंगवार जी, अर्चना प्रजापति जी, सतीश यादव जी, दिनेश जी, ज्योति पांडे जी, आप सभी का हम अपने पार्थ शिक्षण परिवार में स्वागत करते हैं। आधुनिक कलावादों से हम आपको जोड़ने जा रहे हैं आज। और इस वाद में, इस सेक्शन में हम आपको आज की क्लास में आपको ऐसे ऐसे प्रश्नों से जोड़ेंगे जिसको हमको आपको समझने में और पढ़ने में काफ़ी दिन लग जाते हैं, 10 से 15 दिन लग जाते हैं। और जब हम 10 से 15 दिन पढ़ते हैं तो उन्हीं चीज़ का अध्ययन करते हैं जिसको आज हम इस क्लास में, एक ही क्लास में आपको दे देना चाहते हैं, और वही आप एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न भी होते हैं। तो हम यहाँ पर सिर्फ वादों से ही ना लेके, बल्कि वादों से पहले प्रारंभ होने वाली कुछ प्रमुख शैलियों से भी हम आपको जोड़ेंगे, ठीक है। हमने यहाँ पे आधुनिक कला का हेडिंग दिया, लेकिन आधुनिक कला का प्रारंभ करने वाली कुछ कला शैलियों से भी हम आपको जोड़ेंगे। उनमें से सबसे पहले आप देखेंगे राकाको कला शैली। पहली है, यहाँ पे हम देख लेते हैं,
शैली, नाम आपने सुना होगा राकाको शैली, नाम इसका आप लोगों ने सुना है। कितने लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने इनका नाम सुना है राकाको कला शैली का, जल्दी से कमेंट के माध्यम से आप लोग बताइए। हम लिखते चल रहे हैं, आप लोग बताते चलिए। दूसरा है नौ शास्त्रवादी शैली, तीसरा है रोमांसवादी शैली, पांचवा है यथार्थ वादी शैली। ये चार प्रमुख शैलियां जो आधुनिक कला शैली से पहले, आधुनिक कलावादों से पहले और मध्यकाल की कला से पूर्व, सॉरी मध्यकाल की कला से के बाद और आधुनिक कला शैली के बीच में प्रचलित हुई हैं, और इन्हीं कला शैलियों की देन है जिससे यूरोप में कलावादों का जन्म हुआ। ठीक है जी, शशांक वर्मा जी, राफेल की क्लास कल हो चुकी थी जी, बिल्कुल जितना हमको बताना था उतना कल मैं कर चुका था। अनु श्रीवास्तव जी, नाम सुने हैं सर जी। अर्शी फातिमा जी कहना है बुक में पढ़े हैं राकाको शैली, बिल्कुल सही। वैशाली राजपूत भी जुड़ चुकी हैं और उनका भी कहना है जी बिल्कुल पढ़े हैं। गिरजेश यादव जी से, गुरु जी आपके चरणों में प्रणाम। प्रणाम गिरजेश जी, आपका स्वागत है। चलिए तो आप देखिए इन इस कला शैलियों के बारे में, सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए ये जो राकाको शब्द है, जो राकाको शब्द है आप सबसे पहले तो यही देख लीजिए कि यह क्या है। तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि जो राकाको शब्द है, ठीक है, इसका जो अर्थ होता है वह सीप होता है। राकाको शब्द का जो अर्थ होता है सीप होता है, यह भी प्रश्न पूछा जा चुका है, आप इसको देख सकते हैं। इस शब्द का जो अर्थ होता है इसका अर्थ सीप होता है, अर्थात राकाको शब्द का जो अर्थ है वह सीप होता है। और यह कला शैली, अब देखिए यह कला शैली फ्रांस में प्रारंभ हुई थी। अब प्रश्न से जोड़ना शुरू हो जाइए, यह जो राकाको कला शैली है इसका जन्म स्थान जान लीजिए क्या है, फ्रांस। जन्म स्थान ठीक है, और कब, 18वीं शताब्दी। तीन प्रश्न हमने आपको एक लाइन में दिया, आप लोग को समझ में आया। तीन प्रश्न से हम आपको जोड़ चुके हैं, हमने पढ़ाया क्या शुरू किया, तीन प्रश्न से आप जोड़ चुके हैं और तीनों प्रश्न आपके एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है आने वाले। ये भी आ चुका है, वो भी आ चुका है, ये अभी नहीं आया है। तीन प्रश्नों से हम आपको जोड़ चुके हैं। पहला प्रश्न है कि राकाको कला शैली का जन्म स्थान क्या है, तो फ्रांस, अर्थात राकाको कला शैली कहाँ पे प्रचलित हुई सबसे पहले, फ्रांस में। राकाको कला शैली का जन्म कब हुआ था, तो राकाको कला शैली का जन्म आपके 18वीं शताब्दी में हुआ था, इसको भी हमने जोड़ दिया। और राकाको शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, राकाको शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, हमने यहाँ पे लिख दिया सी। तीन महत्वपूर्ण प्रश्न से हम आपको यहां से जोड़ चुके हैं, ठीक है। अब देखिए कि इसके बाद यह आप को यह भी देखना है कि अगर फ्रांस में कोई भी कला शैली प्रचलित हुई गोथिक कला शैली के बाद, गोथिक वास्तुकला शैली के बाद और आधुनिक कला शैली के प्रारंभ होने से पहले अगर कोई कला शैली प्रचलित हुई थी तो उसका नाम था राकाको कला शैली, जहां पर यूनान योम रोम के पौराणिक ग्रंथों से शुरू हुई विषयों को या मान्यताओं को यहां पर भी मान्यता देते हुए उनका चित्रांकन प्रारंभ किया गया था। ठीक है,
तो हम केवल तीन प्रश्नों से यहाँ जोड़ेंगे, आगे हम यहाँ पे इसको यहीं पे छोड़ देते हैं तीन के साथ लेके, क्योंकि ये तीन प्रश्न यहाँ से आने वाला महत्वपूर्ण है। अन्य डिटेल्स आप किताबों से देखिएगा, ठीक है, जो मेरी किताब आ रही है उसमें इन सभी का डिटेल्स पूरा दिया गया है, आप अपनी जो भी आपके पास बुक होगा उनमें आप देखिएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे ये नौ शास्त्रवादि चाहिए, यहाँ से आने वाला महत्वपूर्ण प्रश्न, यहाँ से आने वाला महत्वपूर्ण प्रश्न, और तीन प्रश्न दूंगा, तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण दूंगा। तो सबसे पहले देखिए यह नौ शास्त्रवादी कला शैली का जन्म स्थान क्या है, यह भी नौ शास्त्रवादी कला शैली का जन्म स्थान भी क्या है, फ्रांस। अर्थात आपकी जो नौ शास्त्रवादी कला शैली है इसका भी जन्म कहाँ हुआ था, फ्रांस में हुआ था। ड्यूरेशन क्या है, 18वीं शताब्दी है, लेकिन इस नौ शास्त्रवादी कला शैली का जन्मदाता जाप देवी नामक कलाकार इस शैली का सबसे प्रसिद्ध इस शैली का जन्मदाता ओके। नौ शास्त्रवादी कला शैली का जन्म कहां हुआ, फ्रांस में हुआ। इस नौ शास्त्रवादी कला शैली का जन्मदाता कौन माना जाता है, जाक डेविड माना जाता है। दो महत्वपूर्ण प्रश्न से जोड़ दिए हैं। तीसरा जो महत्वपूर्ण प्रश्न यहां से है कि नौ शास्त्रवादी कला शैली का पहला चित्र कौन सा है, तो नौ शास्त्रवादी कला शैली का पहला चित्र जो है वह जाक डेविड के द्वारा ही बनाया गया था, और जाक डेविड के द्वारा बनाया गया जो इस शैली का सबसे प्रसिद्ध चित्र है वह कौन बता सकता है, कौन बताएगा इनकी इनके द्वारा बनाया गया सबसे प्रसिद्ध चित्र जो इस शैली का पहला चित्र भी माना जाता है। हिरोशिया का प्रण, बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने दिया है, बिल्कुल सही आप लोगों ने आंसर दिया है कि नौ शास्त्रवादी शैली का पहला चित्र जाक डेविड के द्वारा ही बनाया गया, क्या था, हिरोशिया का प्रण। यहां पे लिख लीजिए, जाक डेविड ने हिरोशिया का प्रण नामक चित्र नौ शास्त्रवादी वादी शैली में सबसे पहला बनाया था, सबसे पहले बनाया था, ठीक है। तो देखिए नौ शास्त्रवादी शैली का जन्म फ्रांस, नौ शास्त्रवादी शैली का जन्मदाता जाक डेविड, जाक डेविड नामक कलाकार ने, जाक डेविड ने हिरोशिया का प्रण, जाक डेविड ने हिरोशिया का प्रण नामक चित्र, हिरोशिया का प्रण नामक चित्र आपके नौ शास्त्रवादी में सबसे पहले बनाया था। अर्थात हिरोशिया का प्रण नामक चित्र नौ शास्त्रवादी कला शैली का पहला चित्र है। ये तीन चित्र, तीन टॉपिक आप लोगों से केवल ऐसे हम जोड़ रहे हैं जो आपके एग्जाम के परिदृश्य से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो तीन प्रश्न हमने आपको यहां से जोड़ा, तीन प्रश्न आपके हम यहां से जोड़ चुके हैं। हम इतना ही जोड़ेंगे क्योंकि बहुत लंबा चलना है, और अगर हम बहुत विधिवत जानकारी सभी के बारे में देंगे हम सभी कलावादों से आपको जोड़ नहीं पाएंगे, इसलिए थोड़ा सा हम आपको बता देना चाहते हैं कि जाक डेविड जो एक प्रसिद्ध नौ शास्त्रवादी कला शैली के चित्रकार थे, और इन्होंने ही आपके इस नौ शास्त्रवादी कला शैली को प्रारंभ किया था। इस शैली में इनके द्वारा बनाए गए, जाक डेविड के द्वारा बनाए गए
प्रसिद्ध चित्रों में आप देखेंगे तो सुकरात की मृत्यु, गेत की महिलाएं, मारा की मृत्यु, सेबाइन पर बलात्कार, मिनर्वा की विजय, यह इनके द्वारा बनाए गए प्रसिद्ध चित्र हैं। आप लोग लिख लीजिएगा कि जाक डेविड के द्वारा बनाए गए प्रसिद्ध चित्र, इनके द्वारा बनाए गए प्रसिद्ध चित्रों में आप लिखिए सुकरात की मृत्यु, गेत की महिलाएं, मारा की मृत्यु, सेबाइन पर बलात्कार, मिनर्वा की विजय आदि। यह जाक डेविड के द्वारा बनाया गया इस शैली का सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्र है। इस शैली के इनके अलावा अन्य चित्रकारों में नवशास्त्रवादी कला शैली में जाक डेविड के अलावा जो अन्य प्रसिद्ध चित्रकार मुख्य रूप से थे उनके नाम हैं रेरार, जेरार, प्रुदा, रेनवार, अग्र। अग्र इस शैली का सबसे प्रसिद्ध चित्रकार थे। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलते हैं और आपको जोड़ना चाहते हैं कि एक अन्य यहाँ की जो कला शैली है रोमांसवादी शैली। रोमांसवादी शैली, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हमारे पास जगह की वो बच रही है तो हम यहाँ से ले लेते हैं, इसका वर्णन आज कहीं दूसरी जगह कर देंगे। ये देखिए रोमांसवादी शैली के बारे में हम देखेंगे तो जो हमारी रोमांसवादी शैली है इसका जन्म भी आपके कहाँ पे हुआ, फ्रांस में हुआ। इसको थोड़ा सा देखिए, चलिए इसका भी जो जन्म हुआ था वह कहाँ हुआ था, फ्रांस। नौ रोमांसवादी कला शैली का जन्म स्थान भी क्या है, फ्रांस है। आप यहां से इसको अलग कर देंगे, ठीक है। अब हम चलेंगे रोमांसवादी शैली में, तो रोमांसवादी शैली में देखेंगे कि फ्रांस, रोमांसवादी कला शैली का जन्म भी कहां हुआ था, फ्रांस में हुआ था। लेकिन इस शैली का जो जन्मदाता है वह है थियोडोर जेरिकाल्ट। थियोडोर जेरिकाल्ट ये इस शैली के जन्मदाता माने जाते हैं। आप यहां से इनके बारे में लिखिए, ठीक है। अब यहां पे देखिए थियोडोर जेरिकाल्ट, थियोडोर जेरिकाल्ट या कभी कभी कहा जाता है थेरिडोर जेरिको, ठीक है। तो थेरिडोर जेरिकाल्ट रोमांसवादी रोमांसवादी शैली के जन्मदाता माने गए हैं। इन्होंने रोमांसवादी शैली में वादी या रोमांसवादी शैली का मेदुसा का बेटा, मेदुसा का बेड़ा बनाया था। देखिए मेदुसा का बेड़ा नामक चित्र आप देख लीजिए, मेदुसा का बेड़ा ये आपके जाक डेविड का एक प्रसिद्ध चित्र है। यह जाक डेविड का एक प्रसिद्ध चित्र है और यह आपके रोमांसवादी कला शैली का प्रथम चित्र है और इसने बनाया थियोडोर जेरिकाल्ट। अर्थात आपको यह देखना है कि तीन प्रश्न यहाँ के इंपॉर्टेंट हैं, या आप कह सकते हैं तीन प्रश्न यहाँ के इंपॉर्टेंट हैं कि रोमांसवादी कला शैली भी फ्रांस में प्रारंभ हुई थी और इस शैली का सबसे प्रसिद्ध चित्रकार या रोमांसवादी शैली के का जन्मदाता
थियोडोर जेरिकाल्ट्स को माना गया है। थियोडोर जेरिकाल्ट्स ने रोमांसवादी कला शैली में अपना पहला चित्र या रोमांसवादी कला शैली का पहला चित्र मेदुसा का बेड़ा बनाकर इस रोमांसवादी कला शैली को प्रारंभ किया था। ठीक है, तो यह है आपके यहां से तीन महत्वपूर्ण प्रश्न यहां से, अर्थात तीन शैलियों के बारे में हमने आपको बताया और तीन त्रिक के नौ प्रश्न ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप कह सकते हैं कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और जब भी आपसे पूछा जाएगा इन्हीं के बारे में पूछा जाएगा। अब देखिए, आपको रोमांसवाद प्रारंभ होने या मेदुसा का बेड़ा नामक जो एक चित्र है इसके बारे में हम आपको बता देना चाहते हैं कि मेदुसा का बेड़ा, एक बार एक जहाज जो है समुद्र के किनारे अफ्रीका में एक समुद्र के किनारे एक जहाज जो एक दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और उसमें बहुत सारे लोगों की जान गई थी और जब उसमें यह दुर्घटना हुई तो दुर्भाग्यवश ये आपके जो कलाकार हैं वह संभवतः वहीं पे थे, और जब दुर्घटना हुई तो ये किसी कारणवश वहां पर पहुंचे तो देखा कि वहां का प्रशासनिक जो तंत्र है वह किसी भी तरीके से उनका कोई सहयोग नहीं कर रहा है, वहाँ का राजा उस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दे रहा है और लाशें ऐसे कहीं ना कहीं पड़ी हुई हैं। इस चीज़ को देखकर इनको थियोडोर जेरिकाल्ट्स को बड़ा कष्ट हुआ और इन्होंने वहीं पर इस चित्र का निर्माण किया, मेदुसा का बेड़ा। और मेदुसा का बेड़ा से तात्पर्य जो जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी उनमें से कुछ जिंदा जो लोग थे वह एक बेड़ा के माध्यम से किसी एक लकड़ी या अन्य सारी चीज़ों की सहायता से वह किसी तरीके से अपने जीवन को बचाने के प्रयास में लगे हुए थे या उसकी सहायता से बाहर आने की कोशिश कर रहे थे। उसी चीज़ को यहाँ पर बताया गया कि मेदुसा का बेड़ा में से वहाँ पर लोगों ने किस तरीके से कितनी समस्याओं में रहे और अपने आप बहुत सारी जाने जाने के बाद कुछ लोगों ने अपनी जान को बचाने की कोशिश की, लेकिन वहाँ का प्रशासनिक तंत्र या वहाँ का राजा ने कोई अपना महत्वपूर्ण योगदान नहीं दिया। उसी की भर्त्सना, उसी का विरोध, वही एक संदेश समाज तक पहुंचाने के लिए थियोडोर जेरिकाल्ट्स ने आपके रोमांसवादी कला शैली को प्रारंभ किया था। ओके, चलिए चलिए अब बताइए क्या यहां तक आप लोगों को समझ में आई। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो हमने शैली लिखी है उसका नाम है यथार्थवाद, या आप कह सकते हैं कि अगर आपको लिखना हो तो रोमांसवादी कला शैली के प्रमुख कलाकारों के बारे में लिख लीजिए। तो रोमांसवादी जो कलाकार हैं उन कलाकारों में बहुत सारे ऐसे हैं जैसे ओजोन देलाक्रा अग्र, ठीक है, और एलग्रोको, बहुत सारे इस प्रकार के कलाकार हैं जिनमें से गोया का भी नाम प्रसिद्ध है, सब आपके रोमांसवादी कला शैली के कलाकार हैं। आगे हम चलते हैं यथार्थवाद को देखते हैं। तो यथार्थवाद कला शैली का जो जन्म है, एक चीज और देखिएगा कि इनमें से राकाको कला शैली, नवशास्त्रवादी कला शैली और रोमांसवादी कला शैली सब 18वीं से लेकर 19वीं शताब्दी पर, लेकिन यथार्थवादी कला शैली जो है यह मुख्य रूप से 19वीं शताब्दी में प्रचलित हुई और इसका भी जन्म स्थान क्या है, फ्रांस। जन्म स्थान फ्रांस, अर्थात यथार्थवादी शैली का भी जन्म स्थान क्या माना गया है, फ्रांस माना गया है, अर्थात यह भी शैली आपके फ्रांस में ही प्रचलित रही और इसका जो जन्मदाता माना जाता है वह है अनोर दोमी को रोमान यथार्थवादी कला शैली का जन्मदाता माना गया है। अनारदोमी जन्मदाता अर्थात यथार्थवादी कला शैली का जन्म भी फ्रांस में हुआ, इसका जन्मदाता अनारदोमी को माना जाता है,
दो प्रश्न यहाँ से और हो गए। उसके बाद आप हम यह बता देना चाहते हैं कि इस शैली में बनाया गया अनारदोनी का जो सबसे प्रसिद्ध चित्र है वह है तीसरी श्रेणी का डिब्बा, तीसरी श्रेणी का डिब्बा। यह इन्होंने एक कार्टून के माध्यम से बनाया था, क्योंकि इनकी जो मुख्य प्रसिद्धि है, इनकी जो मुख्य प्रसिद्धि है वह है एक प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट के रूप में, कार्टूनिस्ट कलाकार के रूप में, या आप कह सकते हैं व्यंग कलाकार के रूप में। अनारदोनी एक व्यंग कलाकार हैं और अपने व्यंग चित्रों के माध्यम से, अपने व्यंग चित्रों के माध्यम से ही अपनी बातों को रखने की कोशिश की, जिनमें से इनके द्वारा बनाया गया तीसरी श्रेणी का डिब्बा यह सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्र है। इसके बाद इन्होंने फ्रांस के मार्साया शहर में इनका जन्म हुआ था और बाद में इनकी मृत्यु भी यहीं फ्रांस में 1879 ईस्वी में हो गई थी। तो इनको भी यहीं पे छोड़ देते हैं, क्योंकि तीसरी श्रेणी का डिब्बा को याद रखिएगा। और यह यथार्थवाद का जन्म स्थान फ्रांस, इसको याद रखिएगा, अनारदोनी को याद रखिएगा। और इस ग्रुप के अन्य कलाकारों में एक गुस्ताव कुर्बे, गुस्ताव कुर्बे भी इस आपके यथार्थवादी शैली के प्रसिद्ध चित्रकार हैं, जो यथार्थवाद के यथार्थवादी शैली में सर्वाधिक प्रसिद्ध कलाकारों में गिने जाते हैं। तो ये आप देखेंगे, यहाँ पे देखना है तीसरी श्रेणी का डिब्बा, तीसरी श्रेणी का डिब्बा, ठीक है। आपको यह देखना है कि यह इनके द्वारा बनाया गया पहला चित्र नहीं है यथार्थवाद, यथार्थवाद का यह इनका प्रसिद्ध चित्र है। पहले चित्र के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दे पाते विद्वान, इसलिए जो है यहाँ पर तीसरी श्रेणी का जो डिब्बा है यह अनारदोनी के द्वारा बनाया गया आपके यथार्थवाद शैली का सबसे प्रसिद्ध चित्र की हमने बात की है। तो इस एक छोटे से बोर्ड पर हमने 1, 2, 3 और 4, ठीक है, 4 शैलियों के बारे में जो चर्चा की है, और यहां से लगभग 12 से 15 प्रश्न जो आप लोगों को हमने दिया है, ठीक है, जो दिया है हमने यह आपके लिए। आप देखिएगा कि इनमें से एक प्रश्न अगर यहां से यूरोपीय कला से प्रश्न पूछा जाता है, यहां से एक प्रश्न आप लोग के एग्जाम में रहेगा, निश्चित रहेगा, और 1 से 2-3 भी हो सकते हैं, उससे कम नहीं होगा। इसलिए आप लोग इनको मुख्य रूप से अच्छी तरीके से बोर्ड पे लिखा हुआ हमने इतनी देर में बताया है, आप इसको 5 मिनट में 10 मिनट में आप कर सकते हैं। आप 5 से 10 मिनट में इसको कर सकते हैं। विजय कुमार निषाद, इसका समय भी बता दीजिएगा, समय इसका जो 19वीं शताब्दी, यथार्थवाद शैली का जो समय है वह है 19वीं शताब्दी, ठीक है। मैं देख रहा हूँ आप लोग को समझ में आ रहा है क्या है। अजय कुमार जी सर, साउंड सही कर लीजिए, बार बार साउंड सही जा रहा है आप लोगों के पास, आप लोग के पास साउंड सही से जा रहा है। अर्शी फातिमा जी कहना कि यथार्थवाद नहीं समझ में आया, यथार्थवाद से तात्पर्य होता है कि प्रेजेंट जो हमारे मन में आया उसी चीज को चित्रित कर देना। तो अब जब यहीं से यह अब आधुनिक कलावादों का जन्म यहीं से शुरू हो जाता है, जब कलाकार अपने मन की बातों को बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी बाध्यता के चित्रण करना प्रारंभ कर देता है, तो उसी को यथार्थवाद कहते हैं। क्योंकि अनारदोनी ने देखा कि आपने तीसरी देवी का डिब्बा जो बताया वह कार्टून चित्र था, इसके पहले किसी भी कलाकार के पास कार्टून के माध्यम से या कार्टून चित्रों का निर्माण नहीं किया करता था, ठीक है। तो व्यंग्यात्मक रूप में पहली बार स्वतंत्र होकर अनारदोनी ने जब चित्रणकार करना प्रारंभ किया, तो उसी को यथार्थवादी शैली का नाम दे दिया गया, और इसी यथार्थवादी शैली का प्रभाव आगे चल के दिखाई देता है और यूरोप में कलावाद प्रारंभ हो जाती है। यथार्थवादी शैली में ही आपके एक प्रसिद्ध कलाकार, ठीक है,
माने ने अपना पहला चित्र जब बना के उसको प्रदर्शित किया तो उसको क्या किया, अस्वीकार कर दिया गया था, जिसके कारण जो है प्रभाववाद का जन्म हो गया। तो यथार्थवादी शैली को समझने नहीं, बस इतना जानिए कि यथार्थवादी शैली किसे तात्पर्य होता है, उस समय की तत्काल स्थिति को चित्रित करना और कलाकारों की सारी बाध्यता कि नहीं आपको हिंदू देवी देवताओं को चित्रित करना है, राजा के अनुसार ही चित्रित करना है, ऐसा कुछ नहीं, बल्कि जो आपके मन में आए उस चीज़ को चित्रित करना है और जो आप अपने मन के में की इच्छाओं को व्यक्त करना है उसको आप चित्रित करना है, वही ये क्या कहलाता है, यथार्थवाद है। और यथार्थवाद का जन्मदाता जो है वह अनुरदोमी को माना गया है। यथार्थवादी कला शैली जो है वह फ्रांस में प्रारंभ हुई थी और इस शैली में अनुरदोमी के द्वारा बनाया गया जो सबसे प्रसिद्ध चित्र है वह है तीसरी शैली का दिब्बा। और इस शैली का दूसरा जो प्रसिद्ध चित्रकार है वह है गुस्ताव कुर्बे। वह भी एक प्रसिद्ध व्यंग चित्रकार थे और इनके इनका जो या आपका गुस्ताव कुर्बे जो हैं इनके द्वारा जो बनाए गए प्रसिद्ध चित्र हैं उनमें से कुत्ते के साथ गुस्ताव कुर्बे, यह भी एक इनका प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट चित्र है ना, इसका भी आप याद कर लीजिएगा। अर्शी जी और अगर कोई भी चीज़ें ना समझ में आई हो इसे बताइए, ठीक है अर्शी जी, अगर किसी प्रकार की समस्या हो तो बताएं, समझ में आ गया कोई प्रॉब्लम और भी आप लोगों को, चलिए देखिए यहाँ पे क्या नाम है अजय जी का पूछना है कि सर अनुरदोमी का जन्म कब हुआ, तो आप ये देख लीजिए अनुरदोमी का जन्म 1808 ईस्वी में फ्रांस में, हुआ था। चलिए जी बिल्कुल, पत्थर तोड़ने वाले आर्ट एंड ड्रॉइंग पाठशाला आपका स्वागत है और हृदय से आपका स्वागत करते हैं। और इनके द्वारा इनका कहना है कि पत्थर तोड़ने वाले जी ये भी आपके गुस्ताव कुर्बे का ही चित्र है। चलिए अर्शी जी को समझ में आ गया, धन्यवाद जी। और फिर ब्रजेश यादव जी धोबिनो जी, हाँ ये भी उन्हीं का है, राजकुमार गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। डिम्पल चौधरी जी, जी आपका स्वागत है। तो मुझे आशा है कि आप सभी लोगों को ये चीज़ समझ में आ रही होगी। और एक बार आप जल्दी से अपने कमेंट के माध्यम से बताइए कि क्या ये चीज़ जो बताई गई है यह चीज़ आप लोग के समझ में आई कि नहीं आई, एक मिनट फट से बताइए, एक सेकंड में, जिससे कि हम आप सभी लोगों को आगे ले चल सकें। और विवेक पांडे जी कहना सर डेली लाइव आते हैं क्या, जी नहीं विवेक जी, कल हम लाइव थे, आज भी लाइव है, आज के बाद दो क्लासेस लाइव हैं, उसके बाद हमारी लाइव की क्लासेस बंद हो जाएंगी। कल की लाइव क्लास थी, आज की लाइव है, आज के बाद लाइव क्लासेस बंद हो जाएगी और हमारी क्लास वही ले पाएंगे जो हमारे प्रॉपर स्टूडेंट हैं, जिन लोगों का एडमिशन हुआ है, जो लोग कंटिन्यू क्लास कर रहे हैं। अगर यहाँ की सारी चीज़ें जो भी क्लास हुई है उसके बारे में क्लास करनी है या हमारे जितने भी वीडियो जितने भी क्लासेस हो गई हैं उन्हीं सारी को ध्यान में रखते हुए 60 कोर्स चलाया जा रहा है 40 दिनों का। अगर आप लोग को जिनको करना है वह यहाँ पर दिए गए नंबरों पर बात कर ले, बात करने के बाद एडमिशन ले ले और एडमिशन जब आप ले लेंगे तो हमको हमारे टेलीग्राम चैनल से आपको जोड़ दिया जाएगा और उसमें हमारे टेलीग्राम चैनल में जितनी भी क्लासेस अभी तक हमने पढ़ाई है वो सारी क्लासेस आपको वहाँ पे जुड़ी हुई हैं। आप उन सभी पुराने क्लासों से अपनी तैयारी कर सकते हैं और साथ ही साथ जो नई क्लासेस चल रही हैं आप उनसे भी जुड़ सकते हैं। आप जितने भी लोग अभी तक क्लास नहीं किए तो उन्हीं की सुविधा के लिए यह क्लास दी जा रही है और फीस भी मात्र 999 रुपये है, 999 रुपये आप जमा कर दीजिए और जितनी भी हमारी 6 महीने की क्लासेस हैं सब हमारे टेलीग्राम में पड़ी हुई है, आप उन सभी क्लासों को आप देख के अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं। ओके, यही वीडियोस आप अगर अदरवाइज दूसरे टीचर्स जो बेचते हैं वीडियो बना के 4,000-5,000 क्योंकि वीडियो देते हैं और उतनी क्लास नहीं देते जितनी क्लासेस हम आपको दे दिए रहे हैं और वो भी जब जब लाइव रहेंगे आप उसका भी क्लास करते रहेंगे, ठीक है। चलिए अजय कुमार जी कहना है कि सर जी समझ में आ गया है, कई बुक से पहले पढ़ते थे लेकिन समझ में नहीं आया था, जी बिल्कुल। चलिए इसी आप सभी लोगों के इसी सारी सी आवश्यकताओं के लिए हमने ऐसी क्लास को शुरू किया, इस तरीके से आपको बता दे रहे हैं जिससे आपको समस्या ना हो। कुमारी सीमा पाउल जी आ गया, धन्यवाद जी। रेखा
जी आपको भी समझ में आ गया, आपका भी धन्यवाद। सोनी यादव जी नाइस क्लास सर, धन्यवाद। विनीता जी आ गया सर, धन्यवाद। सुधा जी विवेक जी सर रोज़ नहीं लाए रहते हैं कल और आज, जी बिल्कुल सुधा जी धन्यवाद आपको थोड़ा सा हमारी सहायता करने के लिए। नीरज कुमार जी के सर प्रैक्टिस नहीं होगी, जी नीरज जी प्रैक्टिस होगी। अभी जहाँ से आप लोग हर समय परेशान थे कि यूरोपी नहीं पढ़ाया जा रहा है, हम आपको यूरोपी से जोड़ दे रहे हैं उसके बाद अब, और इस तरीके से आपको जोड़ रहा हूँ, ऐसे आपको जोड़ रहा हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। उस विधा से आपको जोड़ रहे हैं कम से कम समय में, हमने कम से कम समय में बेटर से बेटर करने के लिए और 15 से 20 दिन की क्लास आपको एक दिन में देने के लिए उस विधा से आप आगे चल रहे हैं। चलिए नीरज कुमार जी कहना है कि राजाधिराज जी राकाको शैली में चित्रकार कौन कौन से हैं, ज़्यादातर चित्रकारों की राजा जी वहाँ से पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल उनके बारे में बेसिक चीज़ें जान लीजिए क्योंकि उससे ज़्यादा प्रश्न पूछे नहीं जाते हैं और ज़्यादा कलाकार भी वहाँ पर प्रसिद्ध नहीं है। नीरज कुमार जी आपका प्रैक्टिस सेट आ गया क्या? नीरज जी प्रैक्टिस सेट आ गया है, मतलब छप गया है, अब वो बैंड हो रहा है। बैंड होने के बाद देखिए हमने तो 2 से 3 तारीख तक मार्केट में लॉन्च करने के लिए बोला है आप लोगों से, और हमें देखा कि बहुत सारे लोगों ने हमारे लमसम 103 प्रैक्टिस सेट और हमारे बुक जो हैं, मैंने कल काउंट करके जो दिया 103 सेट पूरे प्रैक्टिस सेट और बुक का पहले से बुकिंग हो चुकी है। हम इसके लिए आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आप इतनी बड़ी मात्रा में मैंने नहीं सोचा था कि 103 बुक हम 2 दिन में बुक कर सकते हैं। और अभी तो मार्केट में इलाहाबाद तो स्टूडेंटों की खान इलाहाबाद है, जैसे ही इलाहाबाद में बुक मार्केट पहुंचती फिर उसकी क्या उड़ान होगी ये तो वक्त बताएगा, हम आपसे खुद शेयर करेंगे। लेकिन अभी तक मैंने देखा 2 दिन में 103 बुक बुकिंग हो चुकी है। इसके लिए आप सभी लोग शुक्रिया के पात्र हैं कि आप लोग इतना विश्वास और यकीन बना के रखा है हमारे ऊपर। चलिए और भी बता दे जा रहे हैं, जिन लोगों को हमारी बुक जो इलाहाबाद से बाहर के हैं, जो इलाहाबाद से दूर हैं या कहीं ऐसे स्थान पे हैं जो हमारी बुक को नहीं ले सकते हैं, दुकान पे नहीं जा सकते हैं, उनके लिए सुविधा है कि आप, हमने कल भी आपको नंबर बताया था, आज एक बार फिर बता दे रहे हैं कि 94 52 81 37 78। यह हमारा नंबर है और इस पर हमारा व्हाट्सअप भी चलता है। आप इस नंबर पर फोन पे भी चलता है, और इस नंबर पर फोन पे करने के बाद आप इसी नंबर पर अपने साइड स्क्रीन लेकर उस पेमेंट की रसीद को सेंड कर दीजिए, प्लस कौन कौन सी बुक चाहिए इस चीज़ को सेंड कर दीजिए, प्रैक्टिस सेट और बुक दोनों चाहिए तो दोनों के लिए सेंड कर दीजिए और अपना पूरा एड्रेस दे दीजिए। और जैसे ही आप देंगे 3 से 4 दिन में आपके पास वह बुक यहाँ पर बाई पोस्ट सेंड कर दी जाएगी। ये सुविधा हमारा पब्लिकेशन इस बार दिया, उन्होंने कहा सर आप नोट करवा लीजिएगा, हम यहाँ से सेंड करवा दिया करेंगे। जो बच्चे ऐसे हैं बहुत जहाँ पे आसपास की दुकानें नहीं है, लेना भी चाहते वहाँ तो नहीं पहुँच जाती, बाकी जहाँ पे आसानी से जो बुक स्टॉल पे ले सकते हैं तो उनके लिए बुक स्टॉल पे बुक उपलब्ध रहेगी। अब देखिए ब्रजेश यादव जी कहना है प्राइस क्या है सर? हमारी बुक का जो प्राइस है उसमें जो रेट लिखा गया है वह 650 रुपये है, लेकिन आपको 650 रुपये इस नहीं देना है, वल्ली फार 450 रुपये बुक के लिए देना है। बुक का आपका सिलेबस हो सकता है आप देख चुके हों फेसबुक या व्हाट्सअप या ग्रुप के माध्यम से, और उसमें लमसम सौंदर्य शास्त्र से लेकर आपके कलागत तत्व, कला की बहुत सारे शब्दावलियाँ से आपको जोड़ा गया है। लगभग 50 से 60 आधुनिक कलाकारों को दे दिया गया है, यूरोपीय कला को, संपूर्ण यूरोपीय कला को संक्षिप्त में पहुंचा दिया गया है। विधिवत आपके सिलेबस के अनुसार जो हमारा टीजीटी पीजीटी का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हमने पूर्ण रूप से बुक को तैयार किया है, जिससे आपका पूरा सिलेबस भी कवर हो जाए और आसानी से कम समय में आप उसको पढ़ी लें। तो अगर हमारा जो उसके बाद जो प्रैक्टिस सेट है वह 250 रुपये की है, लेकिन आपको मिलेगी 150 रुपये इसकी। तो अगर जो बाहर के लोग हैं, जो बाहर के हैं, तो 450 और 150 रुपये उसको मिला के 500-600 हो गया, और वजन के हिसाब से सेंड भी करना पड़ेगा, समथिंग 100 रुपीज डाक खर्च उस पर आएगा। तो समथिंग आपको जिसको प्रैक्टिस सेट और बुक दोनों लेना है, जो बाहर के हैं उनको 700 रुपये देना है।
और जिनको सिर्फ बुक लेना है उसको वल्ली 400 देना है, और उसका जो वेट होगा मुझे लगता है कि 100 रुपीज आप उसको भी मान के चलिए, क्योंकि 530 पेज की बुक है तो वजन हो सकती है, तो उसको भी मान लीजिए। आप अपने घर बैठे अगर आप कहीं जाएंगे 150 रुपये किराया भाड़ा खर्च कर देंगे, उतना आप पेड कर देंगे तो पब्लिकेशर जो है वह आपके पास बुक को आपके घर तक पहुंचा देगा। गीता पाल जी कहना है सर मैं 2 दिन से क्लास नहीं दे पा रही हूँ। गीता पाल जी क्यों, कोई समस्या? चलिए आगे चलते हैं और हम अब शुरू करते हैं प्रमुख कलावाद। ये हमारे पास 7 आधुनिक कला की कुछ प्रमुख कलावादों से शुरू होने से पहले की कुछ कला शैलियां थी। यूरोपीय कलावाद को समझने के लिए इन कला शैलियों का अध्ययन करना महत्वपूर्ण है। इन सब का आप किताबों के माध्यम से विधिवत अध्ययन करिएगा, हम उन पहलुओं से आपको जोड़ दिए हैं। अब चलिए देखिए प्रमुख कलावाद। प्रमुख कलावाद, ठीक है। अब इसमें आपको यह देखना है कि कौन कौन से ऐसे कलावाद हैं जिनका अध्ययन हमको कलावादों में करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहां पर प्रभाववाद। दूसरा हम देखेंगे यहां पर नव प्रभाववाद। तीसरा आप देखेंगे यहां पर चौथा आप देखेंगे यहां पर घनवाद। पांचवा आप देखेंगे अभिव्यंजनावाद। और आप छठा यहां पे देखेंगे अति यथार्थवाद। ये कुछ प्रमुख कलावाद हैं जहां से आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न आते हैं। तो ये ऐसे वाद हैं कि यहां से हर बार प्रश्न पूछे गए हैं, पूछे जाएंगे।
आ रही आवाज अब आ रही है। आवाज गई आपके पास? जी देखिए, ये हम आपको बता रहे हैं कि ये जो प्रमुखवाद हैं और इसमें से पूछा जाता है कि प्रभाववाद का जन्मदाता कौन है, नव प्रभाववाद का जन्मदाता कौन है, उत्तर प्रभाववाद का जन्मदाता कौन है, घनवाद का जन्मदाता कौन है, अभिव्यंजनावाद का जन्मदाता से ज्यादा प्रमुख कलाकार की पूछा जाता, तो हमने प्रमुख कलाकार के बारे में लिख दिया है। अतिथार्थवाद का जो जन्मदाता माना जाता है वो मार्सल धूसा एवं बिकाबिया को माना जाता है, जबकि अतिथार्थवाद का जो सर्वाधिक प्रसिद्ध कलाकार है, जो अतिथार्थवाद को चरमोत्कर्ष पर ले जाने वाला कलाकार है, उसको सल्वाडोर डाली के नाम से हम लोग जानते हैं, सल्वाडोर डाली के नाम से जानते हैं। उसके बाद भाववाद, भाववाद नामक जो कला आंदोलन है उसका जो जन्मदाता माना जाता है वह कौन है, हेनरी मातिस। हेनरी मातिस, ये आप ये मान लीजिए, नंदिता राय मिश्रा जी, आवाज नंदिता जी आ गई, नंदिता राय जी आपके पास आवाज अब जा रही कि नहीं जा रही? सुधा यादव आवाज नहीं आ रही सर, सुधा जी आप भी बताइए आवाज आपके पास गई? विनीता जी आवाज आ गई? उमा शंकर जी आप लोग फिर से एक बार बता दीजिए कि आप लोग के पास आवाज क्लियर हो गई है? जी जी चलिए, तो देखिए ये 6-7 पॉइंट आपके लिखे हैं, आपको लग रहा हो कि बड़े छोटे प्रश्न हैं, ये 7 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं आपके एग्जाम के लिए, 7 जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं आपके एग्जाम के लिए। अर्थात आप यह मान लीजिए ये जो आपके सामने लिखा गया है वह 7 प्रश्न और ऐसे प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में मुख्य रूप से आते हैं। अब देखिए इनमें से आपको इतना तो ठीक है, अब जैसे जन्म स्थानों के बारे में पूछ लिया जाता है कि इनके जन्म स्थान, यहाँ पे आप ये देखिए कि प्रभाववाद ये फ्रांस, नव प्रभाववाद फ्रांस, उत्तर प्रभाववाद फ्रांस, घनवाद आपका स्पेन, अभिव्यंजनावाद आपका जर्मनी, अतिथार्थवाद आपका ज्यूरिख या स्विट्जरलैंड आप कह सकते हैं, भाववाद आपका फ्रांस। आपका फ्रांस, ये आप पूछा जाता है कि ये जो कलावाद हैं, ये जो कलावाद हैं इनका जन्म स्थान बताइए। तो सभी कलावादों के हमने जन्मदाता या प्रमुख कलाकारों को हमने आपको बताया, उसके बाद हमने आपको यह भी बता दिया कि इन कलावादों का जो जन्म स्थान है वह क्या माना गया है, इन कलावादों का जो जन्म स्थान है वह क्या माना गया है, यह भी हमने आपको बता दिया था, बता दिया। अब इसके अलावा हम आपको जोड़ते हैं, अब देखिए, अब आप देखिए कि ये जो कलाकार हैं इनकी अपनी कुछ प्रसिद्ध कलाकृतियां, इनकी अपनी कुछ प्रसिद्ध कलाकृतियां आपको देखना है, जिसके बाद आपको यह लगेगा कि यहाँ की ये प्रश्न भी एक से बढ़कर एक। अब जैसे कि हम ये देखते हैं, हम चर्चा करते हैं प्रभाववाद पे, यह यूरोप में प्रचलित पहला कलावाद आप कह सकते हैं, आधुनिक कलावादों में पहला कलावाद आपका कौन सा है, प्रभाववाद है, और इस प्रभाववाद का जन्म आपके फ्रांस में हुआ था। इस कलावाद का जन्मदाता, इस प्रभाववाद कलावाद का जन्मदाता क्लाड मोने को माना गया है, लेकिन आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं कि ध्यान देने वाली बात है कि अगर जब प्रश्न आए कि प्रभाववाद कला आंदोलन का बीजारोपण किसने किया, तो प्रभाववाद कला आंदोलन का बीजारोपण आपको एडवर्ड माने नामक एक फ्रांस के ही कलाकार ने किया था।
एडवर्ड माने के द्वारा यथार्थवाद शैली में बनाया गया एक चित्र प्रसिद्ध एक चित्र था तिल पर भोजन। तिल पर भोजन नामक एक एडवर्ड माने का प्रसिद्ध चित्र था जिसमें एक महिला को एक नग्न महिला को दो वस्त्रधारी पुरुषों के साथ लंच करते हुए नाश्ता करते हुए चित्रित किया गया था, जिसको जब उसने सन 1863 ईस्वी में फ्रांस में हुई फ्रांस के पेरिस में हुई एक कला प्रदर्शनी में प्रदर्शित करने के लिए ले गए तो उसको उसमें कला समीक्षकों कला समालोचकों ने अस्वीकृत कर दिया था। और जबकि इस विषय में ऐसे चित्र बनाए गए इसके पहले में पूर्व में वहां पर प्रदर्शनी में स्वीकृत किए जा चुके थे। इस चीज से ऊपर इन लोगों ने आगे चलकर वहां फ्रांस के कलाकारों में एक विद्रोह पैदा हुआ जिसका परिणाम रहा कि सन 1872 ईस्वी में आपके इस कलावाद का जन्म हो गया। अर्थात ये जो आपका कलावाद है आपका प्रभाववाद इसका जन्म सन 1872 ईस्वी में हुआ था। प्रभाववाद का जन्म कब हुआ? 1872 ईस्वी में हुआ। और इस वाद की पहली प्रदर्शनी प्रभाववाद कलावाद की पहली प्रदर्शनी 1874 ईस्वी में पेरिस में आयोजित की गई थी। ओके, ये दो आपके दो बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आपसे पूछा जाता है कि प्रभाववाद का जन्म कब हुआ? तो 1872 ईस्वी। ओके, प्रभाववाद कला आंदोलन की पहली प्रदर्शनी का आयोजन कब हुआ? तो सर 1874 ईस्वी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक इनसे भी बड़ा प्रश्न जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, वह है कि प्रभाववाद का प्रथम चित्र या क्लाड मोने नामक के चित्रकार ने कौन सा चित्र बनाकर सन 1872 ईस्वी में पहला कलावाद प्रभाववाद का प्रारंभ किया था? वह है सूर्योदय का प्रभाव। सूर्योदय का प्रभाव जिसे कहा जाता है इंप्रेशन ऑफ सनराइज। यह प्रभाववाद का पहला चित्र है। क्या प्रॉब्लम है अर्षी जी? अच्छा, PDF सेंड करवा दीजिएगा आज की क्लास का। ओके, चलिए मैं बोल दूंगा आपके पास PDF। क्या ये वीडियो आपके पास सेव हो जाएगी? यह वीडियो आपके पास तो पब्लिक रहेगी, इसको आप चाहे जब देख लीजिएगा। वैसे मैं कह दूंगा अभी हो सकता आपके पास जो है सेंड कर देंगे। वैसे आज बता दूं कि आज से जो हमारे इंजीनियर हैं जो इसको देखते हैं, आज दोनों की तबीयत खराब है, इसलिए थोड़ा सा हो सकता है ना हो पाए, लेकिन कोशिश करूंगा मैं बोल दूं कि इसकी PDF चली जाए। ठीक है, अच्छा आवाज़ अब भी नहीं उसी तरीके से आ रही है। कोशिश करूंगा कि बिल्कुल PDF सेट करवा दूं। आवाज सही हुई? जी चलिए, तो देखिए अब आप देखिए कि इसके बाद यहाँ पे आप ये देख लीजिए कि प्रभाववाद का जन्मदाता क्लाड मोने, प्रभाववाद प्रारंभ कहाँ हुआ? फ्रांस में। प्रभाववाद का पहला चित्र कौन सा है? सूर्योदय का प्रभाव या इम्प्रेशन ऑफ द सनराइज
या सूर्योदय का प्रभाव नामक चित्र क्लारमोनी ने सन 1872 ईस्वी में बनाकर सबसे पहले प्रभाववाद कला आंदोलन का प्रारंभ किया था। और इस प्रभाववाद कला आंदोलन का पहली प्रदर्शनी सन 1874 ईस्वी में फ्रांस में स्थित फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित की गई थी। ओके, अब जबकि इस कलावाद का बीजारोपण करने का श्रेय इसी वाद के प्रमुख कलाकार एडवर्ड माने को दिया जाता है। एडवर्ड माने ने अपना पहला चित्र तीर्ण पर भोजन द लांचियन ग्रास, तीर्ण पर भोजन या द लांचियन ग्रास का निर्माण करके आपके प्रभाववाद कला आंदोलन को प्रारंभ किया था, और जिसके कारण आपके पहला कलाकार यूरोप का या फ्रांस का पहला आधुनिक कलाकार होने की संज्ञा भी आपके एडवर्ड माने को ही प्राप्त है। चलिए अब हम चलते हैं नव प्रभाववाद। नव प्रभाववाद में हम देखते हैं कि ये कोई नया प्रभाववाद नहीं था, बल्कि ये इस वाद के कलाकार प्रभाववाद में ही थे। बस प्रभाववाद को ही एक अलग तरीके से कुछ चीजों का नया समावेश करके चित्रों की रचना प्रारंभ कर दिया था, जिसे नव प्रभाववाद के नाम से जाना गया। अर्थात इस शैली में कलाकारों ने क्या किया, छोटे छोटे बिंदुओं को जोड़कर भी चित्रों की रचना करना प्रारंभ कर दिया था। तो आप देखेंगे नव प्रभाववाद का जन्मदाता जॉर्ज सोरा। नव प्रभाववाद का जन्मदाता कौन है, जॉर्ज सोरा है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नव प्रभाववाद का जन्म स्थान क्या है, फ्रांस है, यह भी आप देख चुके हैं। और इस नव प्रभाववाद का पहला जो चित्र है वह है स्नान स्थल, स्नान स्थल चित्र। यह जो है आपके नव प्रभाववाद का पहला चित्र है। ओके, उसी तरीके से आप देखिए उत्तर प्रभाववाद। उत्तर प्रभाववाद का जो जन्मदाता है वह है पाल सेजान, और इसका जन्म कहाँ हुआ, फ्रांस में। अब ये चीज भी आप जान लीजिए कि उत्तर प्रभाववाद भी कोई नवीनतम कलावाद नहीं था, बल्कि प्रभाववाद और नव प्रभाववाद से उब कर जब कलाकारों ने इनके बंधनों या अन्य साधनों से उब के तो स्वतंत्र होकर चित्रों की रचना कर दिए, और जिसे हम लोग उत्तर प्रभाववाद के नाम से जानते हैं। और इस उत्तर प्रभाववाद का अगुवाकारी या शुरू करने वाला जो कलाकार माने गए हैं वे पाल सेजान को माना गया है। और पाल सेजान को आपको हमने ये भी बताया है, हमने पाल सेजान के बारे में यह भी बताया है कि पाल सेजान को ही पाश्चात्य आधुनिक कला का जन्मदाता भी माना जाता है। अर्थात पाश्चात्य आधुनिक कला का जन्मदाता आपके पाल सेजान को माना गया है, और उसी पाल सेजान ने इस उत्तर प्रभाववाद को फ्रांस में शुरू किया था। ठीक है, और इस समय इन्होंने जो चित्र बनाया था वह है स्नान मग्नाए। स्नान मग्नाए, ठीक है, स्नान मग्नाए। अब देखिए इनके माध्यम से हमने यह बता दिया आपको कि उत्तर प्रभाववाद का पहला चित्र स्नान मग्नाए पाल सेजान ने बनाया, और नव प्रभाववाद में जॉर्ज सोरा ने अपना पहला चित्र स्नान स्थल बनाया था। प्रभाववाद का पहला चित्र क्लारमोनी ने सूर्योदय का प्रभाव या इंप्रेशन ऑफ द सनराइज का निर्माण किया था। ओके, उसके बाद देखिए अब यहां पर जगह तो हो गई समाप्त, आगे हम चलते हैं, आगे एक एक को लिख के हम आपको बता देते हैं। यहां पे हम चलते हैं देख लेते हैं घनवाद। घनवाद हम देखेंगे और इसका जो प्रारंभ होता है घनवाद का सन 1907 ईस्वी। घनवाद का जो प्रारंभ होता है वह 1907 ईस्वी में होता है, और इस कलावाद को प्रारंभ करने का श्रेय पब्लो पिकासो को दिया गया है। इस का जो जन्मदाता है कौन माना जाता है, पब्लो पिकासो। आप लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे पिकासो के बारे में, तो इस वाद का जो जन्मदाता है वे हैं पब्लो पिकासो, और इसका जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था,
स्पेन में हुआ था, यह भी हमने आपको बताया था, ठीक है। और इस वाद का पहला चित्र, घनवाद का पहला चित्र अविन्यू की स्त्रियां पब्लो पिकासो ने बनाया था। अब आप समझ लीजिए कि पब्लो पिकासो जो संपूर्ण विश्व का सबसे बड़े कलाकार, अगर कहा जाए वर्ल्ड का सबसे बड़ा कलाकार कौन है, तो सीधे आपके जुबान पर नाम होना चाहिए कि पब्लो पिकासो। अगर आधुनिक कलाकारों की बात नहीं की गई है, मध्यकाल की बात की गई है, मध्यकाल में जितने भी कलाकार हैं, जब उनकी बात की जाएगी, अगर लियोनार्डो दा विंची की बात होगी, तो लियोनार्डो दा विंची अपने समय का सर्वोत्तम कलाकार था। जब लियोनार्डो दा विंची चित्रों की रचना किया करते थे, उस समय के, उस जमाने के सबसे प्रसिद्ध चित्रकार थे लियोनार्डो दा विंची। और लियोनार्डो दा विंची के द्वारा बनाया गया मोनालिसा नामक चित्र सबसे प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध, आपने देखा। उसी तरीके से अविन्यू की स्त्रियां, अविन्यू की स्त्रियां नामक जो चित्र था उसको पब्लो पिकासो ने बनाया था, और यह घनवाद का पहला चित्र है। बाकी पब्लो पिकासो का जन्म स्पेन में हुआ था, ये ब्रजेश जी बता रहे हैं, जी बिल्कुल सही है। हम जब इनके बारे में चर्चा करेंगे तो बताएंगे, लेकिन अभी हम आपको केवल वादों के शुरू होने से और उनका शुरूकर्ता कौन है और वह कहां पे शुरू हुआ, उसका पहला चित्र कौन सा है, इस पे चर्चा कर रहे हैं। जहां अगर किसी कलाकार पे हम आगे चलेंगे तो लंबा समय लग जाएगा। हम दूसरा जब नेक्स्ट क्लासों में इन्हीं प्रमुख एक एक कलाकारों को विस्तृत से बताएंगे। अभी तो सिर्फ हम आपको जोड़ रहे हैं कि कम समय में ज्यादातर कर लीजिए, जुड़ जाइए उनसे। अब इसके बाद यहां से वीडियो को छोड़ दिए, घनवाद को नहीं, साथ देख लीजिए, स्पेन देख लीजिए, अविन्यू की स्त्रियां देख लीजिए, पब्लो पिकासो देख लीजिए। इस वाद का जो अंतिम चित्र है, घनवाद का तीन नर्तक या तीन वादक, इस वाद का जो अंतिम चित्र है, जबकि पब्लो पिकासो के द्वारा बनाया गया सबसे प्रसिद्ध चित्र है गिवेर्निका। पब्लो पिकासो के द्वारा बनाया गया सबसे प्रसिद्ध चित्र जो है वह गिवेर्निका है। गिवेर्निका नामक जो चित्र है वह इन्होंने कई शैलियों में बनाया, अतिथवादार्थ अभ्यंजनावाद, ठीक है, यथार्थवाद, कई शैलियों का मिश्रित करके उसका निर्माण किया है, इसलिए वह घनवाद में उसकी गणना नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वह मिश्रित शैली का चित्र है अविन्यू की स्त्रियां, जो पब्लो पिकासो, सॉरी गिवेर्निका, जो पब्लो पिकासो की सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग है। और यह घनवाद का इनके द्वारा बनाई गई पहली पेंटिंग है अविन्यू की स्त्रियां, ठीक है। इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट हमारा है अभिव्यंजनावाद। अभिव्यंजनावाद ठीक है, यह आपको देखना है। यह जर्मनी में प्रारंभ हुआ था, ज्यादातर इंपॉर्टेंट ही है। जब मैक्सिमम यह पूछा जाता है कि अभिव्यंजनावाद नामक जो वाद है उसका जन्म स्थान कहाँ पे क्या माना गया है, तो इस वाद का जो जन्म स्थान है वह जर्मनी है, यह चीज आपको याद रखना है। ज्यादातर यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद इसका जो सबसे प्रसिद्ध चित्रकार है वे हैं एडवर्ड मुंक। एडवर्ड मुंक है, यह आपको देखना है। और इनके द्वारा बनाया गया द क्राई, ठीक है, जो हम लोग चीख बोलते हैं, यह इनके द्वारा बनाया गया इन शैली का सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्र है।
है ना जी? बिल्कुल 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 मिथुन साक्या जी, बहुत सही, अच्छी, ठीक है। हमने यही चीज अभी हमने आपको बताया कि आपके धनवाद का जो अंतिम चित्र है वह तीन नर्तक है और 1925 में बनाया गया था। उसके बाद उन्होंने मिश्रित शैली में चित्रों की रचना की थी और जो ग्वेनिका नामक चित्र है उसको 1937 में बनाया था, इसलिए उसकी गणना हम धनवाद में नहीं करते हैं। जी बिल्कुल, लियोनार्डो दा विंची फ्लोरेंस के थे, इटली के थे और आप पाब्लो पिकासो स्पेन के थे, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए और नेक्स्ट हमारा है, देखिए नेक्स्ट हमारा है यथार्थवाद। ये हम लोग को देखना है, इसको जिसका जो जन्म है वो ज्यूरिक में होता है। सबसे बड़ी चीज आपने देखा कि इसका जो जन्म जाता है मार्सल धूसा या बिकाबिया को माना गया है, लेकिन इस शैली का जो सबसे प्रसिद्ध चित्रकार है वे हैं सल्वाडोर डाली। ये इस शैली के सबसे प्रसिद्ध चित्रकार हैं। इनके द्वारा बनाए गए पिघलती हुई घड़ियां, ठीक, गृह युद्ध के पूर्व सूचना जैसे बहुत सारे ऐसे चित्र हैं जिनके बारे में अभी हाल के में पीजीटी में कई प्रश्न पूछे गए। पीजीटी 2016 में सल्वाडोर डाली से या यथार्थवाद से कई प्रश्न पूछे गए थे, है ना। हम इनके बारे में विधिवत फिर अध्ययन कराएंगे आपको, लेकिन अभी सिर्फ मोस्ट जानिए। लेकिन ये चीजें यहाँ से जो आने वाला एक अन्य प्रसिद्ध प्रश्न बनता है वह है कि एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्रायड के सिद्धांतों पर आधारित कलावाद कौन सा है, तो वह है आपका यथार्थवाद। यह चीज हमने आपको बताने के लिए इस पॉइंट पे ध्यान दिलाया है। तो प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्रायड के सिद्धांतों पर आधारित कलावाद का नाम यथार्थवाद है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने आपको जोड़ा यहां से, ठीक है। तो अब आपको यह देखना है कि ये सिगमंड फ्रायड जो है ये आपके मनोवैज्ञानिक है, ये अचेतन मन से संबंधित, इन्होंने अचेतन मन से संबंधित सिद्धांत को प्रतिपादित किया। और आपसे पूछा जा सकता है कि अचेतन मन से संबंधित चित्रों की रचना किस प्रसिद्ध कलावाद में हुई, तो यथार्थवाद में। इसमें लोग जब आदमी अपना मानसिक संतुलन खो देता है, ऐसी चित्रों की रचना यहाँ पर इस वाद में की गई है। तो आप यहाँ तक इनको देख लीजिए, बाकी हम एक एक वाद को अभी हम आपको इस क्लास में कम से कम समय में बताने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हमको समय मिलेगा हम एक एक बात के कुछ कलाकारों के जो मुख्य कलाकार हैं उनको अच्छी तरीके से आपको बताएंगे, ठीक है। ये क्लास पब्लिक है, हम सोचते हैं कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज़्यादा चीज़ें जानें और वो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ जाने जो आपके एग्ज़ाम में आने वाली है। अगर आप 1 से 1.5 घंटे की क्लास आप कर ले रहे हैं, अगर एग्ज़ाम में आने वाले 60-70% प्रश्न कर लेते हैं बिना डीप पढ़े हुए, तो ये बुराई क्या है,
एक से डेढ़ घंटे में आप आने वाले पूरे एग्जाम के 60-70-80% का प्रश्न आप कर ले रहे हैं केवल एक से डेढ़ घंटे की क्लास में, तो आपको 10 दिन 1 महीना 20 दिन पढ़ने की क्या जरूरत है ना। हम कोशिश कर रहे हैं कि वो जो आप 1 महीने 1.5 महीने 2 महीने पढ़ते हैं उन सारी चीजों के 70-80% आने वाले प्रश्न आपको 1 से 1.5 घंटे में दे दिए जाए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं कि इसके बाद एक हमने और बताया फॉरवर्ड, एक हमने आपको बताया फॉरवर्ड, फॉरवर्ड इसके बारे में हमने आपको बताया कि इसके जो जन्मदाता है वे कौन, हेनरी मार्कस, हेनरी मार्कस इसके जन्मदाता है, या इस फॉरवर्ड को हम जंगलवाद, इसको हम जंगलवाद के नाम से भी जाते जानते हैं। हेनरी मार्कस ने यहाँ पर इस शैली का जो प्रारंभिक चित्र बनाया वह है हरी पट्टी, जो इन्होंने प्रसिद्ध चित्र बनाया वह है हरी पट्टी। तो तीन चीजें, जंगलवाद को या फाववाद को किस नाम से जाना जाता है, जंगलवाद, फाववाद या जंगलवाद का जन्मदाता हेनरी मार्कस, और इसका जो प्रारंभिक चित्र है वह है हरी पट्टी, जिसका निर्माण आपके हेनरी मार्कस ने किया था। चलिए पूनम जी कहना है कि क्या सर बॉम्बे आर्ट इजिबल है टीजीटी के लिए, जी नहीं, बॉम्बे आर्ट से तात्पर्य यहाँ कुछ भी नहीं है। बॉम्बे, अगर आपने इंटर में टेक्निकल आर्ट्स किया है तो आप बालक वर्ग फॉर्म डाल सकते हैं, अगर आपने इंटर में प्राविधिक आर्ट नहीं किया है तो महिला वर्ग के लिए केवल ड्राइंग ही महत्वपूर्ण है, अगर आपका इंटर में ड्राइंग है तब भी आप फॉर्म डाल सकते हैं, ठीक है। राजेश त्यागी जी कहना सर नेक्स्ट क्लास क्या होगी, नेक्स्ट क्लास के बारे में आपको एसएमएस की जाएगी, है ना। अब्दुल कादिर करीम सर टीजीटी आर्ट में पाश्चात जरूरी है, अब्दुल कादिर जी टीजीटी आर्ट में हमारे सिलेबस नहीं है, हमारा सिलेबस नहीं, मैं लेकिन मैं आपके हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जिनको हमने जोड़ के रखा है, जिनको सिलेक्शन कराने की हमने ठान रखी है, उनके लिए हम इस चीज़ को पढ़ा रहे हैं, बाकी हमको सिलेबस में नहीं है तो हमको नहीं पढ़ाना चाहिए। हम कोई भी संस्थान होता है वो अपने सिलेबस को पढ़ा के छोड़ देता है क्योंकि वो सिलेबस को पढ़ाने की गारंटी लेता है, लेकिन हमको केवल सिलेबस नहीं पढ़ाना है, हमको अपने स्टूडेंटों को जो हमारे मित्र हैं, जो हमसे जुड़े हुए हैं, जो हमारे बड़े अच्छे करीबी हैं, जितने भी हमारे साथ हमारे चैनल पर जुड़े हुए हैं, जो भी हमारे प्रतियोगी हैं, सब हमारे बड़े करीबी हैं, हम चाहते हैं हमारे जितने भी लोग हैं सब नौकरी ले जाएं, सब जॉब ले, इसके लिए इसको हमको पढ़ाना पड़ रहा है, ओके। चलिए ममता मंगल जी कहना है कि कम से कम 10 क्वेश्चन आएंगे, जी धन्यवाद जी, अगर कम से कम जितना आज ने पढ़ाया इसमें 10 प्रश्न अगर आपके आ जाते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, हमारे लिए भी अच्छा होगा, कम से कम हमारा अनुभव आप लोगों के काम आ रहा है, काम आ जाएगा, है ना। रीना सजना की सर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जी बिल्कुल। गीत का बजपे सर जी जब सिलेबस में नहीं है तो क्यों इससे क्वेश्चन आते हैं, सर समझ ही नहीं आता, ये नहीं आना चाहिए, गीतगा जी क्या करेंगे, लेकिन पूछ लेता है तो हम आप किसको ऊपर जाएंगे, किसको कहने जाएंगे, है ना। अगर पूछ ले रहा है ये तो उन महान विद्वानों की सोच होनी चाहिए ना कि कम से कम पेपर आप बनाओ, सिलेबस को देख के बनाओ, ये उन महान विद्वानों की सोच है, उनकी सोच कहाँ है, किस दुनिया में है, आंख बंद करके पेपर सेट करते हैं। अगर वो पेपर को कठिन ही बनाना चाहते हैं तो अपने हिस्ट्री ले ले, अपने आधुनिक ले ले, खुद इतना कठिन पेपर हो जाएगा, यूरोप में जाने की क्या जरूरत है। लेकिन कहते नहीं हैं दूर के ढोल सुहावने होती हैं, दूर के ढोल सुहावने होते हैं, हमारा कोई एक अच्छा मित्र हो वो हमको कम अच्छा लगता है, कम उससे, अगर हमारे दोस्त का कोई दोस्त आ जाता है तो हमको बहुत अच्छा लगता है कि बहुत अच्छा लड़का है, है ना। और उसी तरीके से ये हमारे जो एक्सपर्ट होते हैं, हमारा जो सिलेबस है इंडियन उसको नहीं समझ आता, यूरोप जाने की उनको बहुत मजा आता है, हमारी कला जो है भारतीय कला है वह हमारी भारतीय और भारतीय संस्कृति और सभ्यता से सराबोर है,
ठीक है, स्नेह है, प्यार है, लगाव है, सब दिखता है, लेकिन यूरोपीय कला में क्या है, अश्लीलता है। उनको अश्लीलता पसंद है, वहां भागना उनको पसंद है, पता नहीं क्यों चले जाते हैं। ये उन महाविद्वानों से पूछना चाहिए, हम भी नहीं पूछ सकते, आप भी नहीं पूछ सकते, क्या करेंगे। जी बिल्कुल ममता जी, उनको पेपर नहीं देना पड़ता, लेकिन उनका दिमाग भी तो नहीं काम करता ना। विजय कुमार निषाद कह रहे सर अब तो सिलेक्शन पक्का समझो। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम चाहते हैं आप लोग जल्दी से आप लोग सिलेक्शन लेके आइए। जी नीतू शाक्या जी सही कह रहे सर जी, धन्यवाद जी आपका। गीत का जी सही कह रहे हैं सर ममता जी। चलिए देखिए, आज हम चाह रहे हैं कि आज यहाँ तक अगर आप लोग को क्लास आज की अच्छी लगी हो, अगर आप लोग को क्लास अच्छी लग रही हो तो आप ज़रूर लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा, और अपने लोगों तक यह भी बताने की कोशिश करिएगा जिसको क्लास करनी है, हमारी जो क्लास अगर आपको अच्छी लग रही है या अच्छी लगी हो, तो आप जो नए लोग ऐसे लोग हैं जिनको अभी न तो उनके पास किताबें हैं और न तो बहुत सारे क्लास ले पाए हैं, बड़ी परेशानी है उनके पास, वो हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाएँ। जुड़ने के बाद हमारे 3-4 महीने 5 महीने की क्लासेस सारी टेलीग्राम पर रखी हुई है, सारे वीडियोज़ पढ़ें, और इस समय उनके पास अवसर है, इस समय उनके पास अवसर है, केवल मात्र ठीक है, केवल मात्र 999 रुपए का है। 999 रुपए में आप पूरे 6 महीने की क्लास ले सकती हैं। आपके पास अवसर है, अगर आप एडमिशन ले लेते हैं, क्लास लाइव नहीं भी हो रही है, अच्छी बात है, टेस्ट होगा और भी सारी चीजें, तो आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, पीछे की पूरी क्लासेस आपको मिल जाएंगी, हमारे टेलीग्राम चैनल पूरी क्लासेस पड़ी है, आप सबका बेनिफिट उठाएंगे आप। नीरज शर्मा जी कहना है सर बहुत अच्छी क्लास है, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। सीतापाल जी कहना कि हम लोगों के बारे में अच्छा सोचते हैं, थैंक्स। बिल्कुल सीता जी। अभी शुक्ला जी कहना कि सर सुपर हैं आप, अभी जी धन्यवाद जी। जी अब्दुल जी बिल्कुल प्रैक्टिशन करवाएंगे, है ना। शर्मिला यादव जी कहना है कि धन्यवाद सर, धन्यवाद जी। चलिए, और अगर आप सभी लोगों को, अर्शी जी कहना है कि वेरी नाइस नाइस क्लास, थैंक यू सर। अर्शी जी आपका भी स्वागत है, हैं एक बार भाई फिर अर्शी जी को बहुत आप लोग परेशान करते हैं, है ना, और सब लोग एक बार इनके लिए भी शुक्रिया अदा कर दिया करिए, क्योंकि आप लोग इनको नंबर दे दे के बहुत परेशान करते हैं, है ना, बहुत पढ़ाई के साथ साथ आप लोगों का ध्यान ये भी रखती है ना, तो ये भी शुक्रिया के पात्र हैं। चलिए सर जी बहुत अच्छा, धन्यवाद। दीपक जी, राहुल कुमार प्रजापति जी वेरी नाइस क्लास सर, धन्यवाद जी। चलिए, विजय कुमार निशा पश्चात कठिन लगता था, अब आपकी क्लास लेने के बाद आसान लग रहा है, धन्यवाद। चलिए मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों को समझ में आ गया है, ठीक है। चलिए, तो हम चाहते हैं कि आप लोग अगर हमारी जब भी क्लासेस नहीं होगी तब तक आप जितने भी चीज़ें पढ़ाई की हैं उसको आप करते रहिए, और लेकिन क्लास में जो भी चीज़ें हैं, क्लास के संडे है तो हम नहीं आ गए या किसी दिन नहीं आते हैं तो करिए, लेकिन आपके जितने भी वीडियोस पड़े हैं, जो नए लोग हैं, एक दिन में आप पूरी वीडियो देख नहीं सकते, जो पुराना टेलीग्राम पे हमारी वीडियो पड़े हैं ना 6 महीने के, जिस दिन क्लास नहीं होती उनको आप बढ़िया से एक दिन में आप 1, 2, 3, 4, 5 नहीं बल्कि 10 कर सकते हैं, क्योंकि वो आपके लिए एक्स्ट्रा चीज है। आपको लग रहा होगा कि हम 40 दिन में कैसे पूरा कर लेंगे, 40 दिन की बात यहाँ पे नहीं, हमारे जो वीडियो है वो सारे के सारे 6 महीने के आगे पड़े हैं, तो किसी कारण से हमारी जिस दिन क्लास नहीं हो रही आप उनको पढ़ेंगे जब, तो उस दिन का तो आपको मिल ही जाएगा। नेक्स्ट डे अगर हमारी जब भी क्लास हो रही है, जब आप उससे जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न आपको नहीं समझ में आएगा, आप कमेंट के माध्यम से पूछेंगे, वो चीज आपका कन्फर्म हो जाएगा। यह 40 दिन का क्लास आपको उसके लिए है ना, कुछ लोगों के दिमाग में होता है कि 40 दिन में हम कैसे कोर्स पूरा कर लेंगे, तो 40 दिन का मतलब ये नहीं है कि आप कोर्स पूरा कर लोगे, 40 दिन में आपका जो कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चंस है, जितने भी मौका मिले पढ़ने के बाद आप पूछिए उसको, वो बताने के लिए हम आपके साथ खड़े हैं। बाकी सब जानता है कि पूरे लोग 10-10 साल तैयारी करते हैं, कैसे 40 दिन में आप करोगे, लेकिन यहाँ जो हमारे अंदर कन्फर्म नहीं है, जो क्वेश्चन हमारे विवादित हैं, जो हमारे मन में शंका का विषय है,
उन सारे चीजों का समस्याओं के समाधान के लिए हमारी संस्थान आप लोगों के साथ खड़ी है। यह प्रश्न चिन्ह आप लोग के दिमाग में नहीं होना चाहिए। कभी कभी कमेंट आते हैं लोग, ये बिल्कुल निगेटिव माइंड वाले सोचते हैं ऐसा। ओके, तो आप जितने भी नया प्रतियोगी हैं वो पुरानी जितने भी वीडियो हैं वो एक दिन में 8-10 पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़िए। कम समय में ज्यादा करने का ये हमारा संस्थान सबसे बेटर माध्यम निकाला है। जो 6 महीने पहले नहीं क्लास कर पाए वो हमारे टेलीग्राम पे सब पढ़ा है। आप 6 महीने की क्लास आप कर लीजिए, एक दिन में 10 क्लास करिए, 10-10 दिन में आप खत्म कर लीजिए, 3 महीने क्लास पूरी हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसलिए चलिए, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा करते हैं कि बात करिए, जो भी गाइडलाइन दी जाती है उसके माध्यम से आप जो भी बच्चे बच सकते हैं उसमें आप अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए। नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं, तब के लिए आप सभी को नमस्कार।